لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا اب القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المبين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم اعجاز عباس ابن مسرور حسین صاحب کی روح کو ایصال ثواب ہوا۔ عزیزان محترم، مرحوم اعجاز عباس عرف شانو، میری ان سے بہت سی ملاقاتیں تھیں اور انتہائی عزادار اور مجلسی طبیعت کے شخصیت تھے۔ سماج میں ان کا مزاج تھا کہ وہ ایک دوسرے کے جہاں تک کام آ سکیں کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور خاص کر مجالس کے حوالے سے ان کا بڑا شغف تھا۔ اس سلسلے سے بہت سے فون ہمارے پاس ان مرحوم کے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آتے رہتے تھے، فلاں ذاکر کا نمبر دے دیجئے، فلاں مجلس کے سلسلے سے بتا دیے، وغیرہ وغیرہ۔ اور انتہائی کم عمر اللہ نے انہیں عطا کی، سوگوار ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بھائی بھی ہے،
अहल आयाल भी हैं। मैंने सूरह बकरा की इन आयत का, इस आयत का इंतखाब इसलिए नहीं किया कि मैं कोई खिताबत का हुनर दिखलाऊं। आप हमारे मिजाज खिताबत से भी वाकिफ हैं। मैं कोई खिताबत का हुनर दिखलाने की नीयत से कभी मिंबर पर आता ही नहीं। मैं चाहता हूं कि पैगाम पहुंचे, बात पहुंचे। आज इस आयत को उन्वान बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर माँ सुन रही हैं, उनके अहल खाना भाई बहन सुन रहे हैं, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब सुन रहे हैं, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तस्कीन फराहम हो जाए और क़ुरान का फ़लसफ़ा हयात मालूम हो जाए। क़ुरान का फ़लसफ़ा, एक सलवात पढ़ लें मोहम्मद, फ़लसफ़ा हयात मालूम हो जाए। ज़ाहिर है कि तस्कीन मैं उनकी चाहता हूँ जो भी उनके अज़्ज़ा, अक़रबा, अहबाब, अहल खाना सुन रहे हैं। आपको सुना रहा हूँ ताकि आप भी क़ुरान के इस फ़लसफ़े हयात से ज़िंदगी की ज़हनी तैयारी कर लें। एक सलवात पढ़ लें मोहम्मद आलम। ये कैनवस फ़लसफ़े हयात है, बहुत बड़ा है। और मेरी गुफ्तगू का आगाज़ अब 9:55 से हो रहा है। गुफ्तगू का आगाज़ अब यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम है, बल्कि अब दामन ही कम नज़र आ रहा है। एक और सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुदरत ने ऐलान किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्ले शैइन क़दीर। कि यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ हो रहा है, अभी आयत अपनी जो उन्वान की है वहाँ तक नहीं आ रहा हूँ। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो ज़ात कि जिसके इख्तियार में कायनात है। बाबरकत है वो ज़ात कि जिसके इख्तियार में, बेयदहिल मुल्क, उसके हाथ में मुल्क है। और यह मुल्क तुम्हारी तरह के इख्तियार में नहीं है कि मुल्क किसी का हो, कब्ज़ा कोई कर ले। हमारे इख्तियार में मुल्क है तो इस तरह है कि वहुवा अला कुल्ले शैइन क़दीर, वो हर चीज पे कुदरत रखता है। अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता, वो साहिब इख्तियार है और साहिब मुल्क है, और अपने इख्तियार से इस मुल्क में उसने खलकल मौता वल हयाता, जिसने मौत को पैदा किया और हयात को पैदा किया। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, क्यों पैदा किया? सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम में सबसे अच्छा काम कौन करता है। तवज्जो है, इस कायनात में इंसान की तख्लीक काहे के लिए हुई है? अल्लाह हमें यह देखना चाहता है कि सबसे अच्छा काम कौन करता है। बुरे काम का तो तसव्वुर ही नहीं है, बुरे काम की तो गुंजाइश ही नहीं है।
तवज्जो है, बेदीनी की तो गुंजाइश ही नहीं है। सबको अच्छा करना है, इन अच्छों में अल्लाह देखना चाहता है सबसे अच्छा कौन करता है। सलावत पढ़े मोहम्मद, अब मैं इससे सिर्फ एक लफ्ज ले रहा हूं, अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता, ये आयत है और कर रहे हैं आप कलाम इलाही है, ये किसी की खिताबत नहीं है कि जिसमें तकद्दुम व ताख़ुर हो जाए, ये किसी का शेर नहीं है जिसमें ईता आ जाए, और कर रहे हैं आप ये किसी का शेर नहीं है कि जिसमें शुतुर गुरबा आ जाए। अब मैं इसकी तशरीह नहीं करने जा रहा हूँ, ये कलाम इलाही है। अब माशाल्लाह शोहरा अहले इल्म बैठे हैं तो मैं आसानी से ओहदा बरा हो जाऊंगा। अल्लाह कह रहा अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता, वो अल्लाह जिसने मौत को पैदा किया और हयात को पैदा किया। अब ये बताइए इंसान पहले मरता है या पहले पैदा होता है? तो अल्लाह से क्या तकद्दुम ताख़ुर हो गया है? ये मेरे साथ तो है ना, जुमला तरतीब देने में कुछ गड़बड़ हो गई। पहले पैदा होता है इंसान या पहले मरता है? पहले पैदा होता है फिर मरता है, मगर अल्लाह क्या कह रहा है? यह लफ्ज इंसान की बात नहीं है, और कर रहे हैं आप मजमूई तौर पर एक लफ्ज है, अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता। तशरीह न मांगिएगा क्योंकि साहिबान इल्म है और मैं समझता हूं मेरा लफ्ज बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। वो अल्लाह, वो साहिब कुदरत, वो साहिब इख्तियार जिसने मौत को पैदा किया और हयात को पैदा किया। अल्लाह ने पहले तख्लीक मौत का जिक्र किया है, बाद में हयात का जिक्र किया है। इसका मतलब यह है कि जब तक कुछ मरता नहीं है कुछ पैदा होता ही नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद जो जब तक पहले कुछ मरता नहीं है कुछ पैदा होता ही नहीं है। वह मौत जिससे इंसान डरा हुआ है और घबराया हुआ है, वह इंसान ही खुद वजूद में तब आया है जब बहुत कुछ मरा है, तब इंसान पैदा हुआ है। मैं बड़ी नाजुक सी बात से गुजर रहा हूं, पूरी साइंस इसी जुमले में पोशीदा है, पूरी साइंस हयात की इसी जुमले में पोशीदा है। एक दाना, अब ये नौजवानों के लिए अर्ज कर रहा हूं, एक दाना जो जमीन में आप दफन करते हैं उससे सैकड़ों दाने वजूद में आते हैं, फिर जब वो वजूद में और दाने आ जाए जमीन खोद के देखिए वो दाना है। अब वो दाना मौजूद नहीं है, जब उस दाने ने अपनी जान दी है तब ये सैकड़ों दाने वजूद में आए हैं। तवज्जो है, जजाक अल्लाह, तब ये सैकड़ों दाने वजूद में आए हैं। इन सैकड़ों दानों से लुत्फ उठाने वाले ने कभी ये सोचा कि उस दाने पे क्या गुजर गई? इन सैकड़ों दानों से लुत्फ उठाने वाले ने कभी सोचा कि खुद उस दाने पे क्या गुजर गई जिसे जमीन में दफन होना पड़ा, जिसे पानी से नरम होना पड़ा, जिसे अपना सीना शगाफ्ता करना पड़ा, इतनी कुर्बानियां दी हैं तब एक हयात वजूद में आई है। अब अगर मैं इस जुमले को पहुंचा सका और ये फलसफा पहुंच गया तो मैं अपनी अगली मंजिल में कदम रखना चाहूंगा
कि जब बहुत कुछ मरता है तब कुछ हयात में आता है। इसका वाज़ह सबूत हयात का दुनिया में यह है कि जब तक कुछ मरता नहीं कुछ हयात में हाथ आता नहीं, कुछ जिंदगी मयस्सर होती नहीं। तो जब एक मौत से सैकड़ों सैकड़ों जिंदगियां वजूद में आती नजर आ रही है, तब इंसान ये क्यों सोच रहा है कि हम मर गए तो सब खत्म हो गया। तवज्जो है, सलावत पढ़े मोहम्मद। अब ये फलसफा वाज़े हो गया। अब जिस अल्लाह ने जिंदगी दी, अब उस जिंदगी, अब उसी दाने को तसव्वुर कीजिए कि जो जमीन में आपने दफन किया है। अल्लाह अब उस जिंदगी से खिताब कर रहा है, वला नब्लुवन्नकुम, तर्जुमा करूंगा, जरूर बिजरूर हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। कुम से मुराद कौन है? पूरी कायनात इंसानियत। बात पहुंच रही है? वला नब्लुवन्नकुम से मुराद पूरी कायनात इंसानियत है। इसमें यह नहीं है शिया सुन्नी हनफी वहाबी देवबंदी ईसाई यहूदी बौद्धिस्ट, नहीं, पूरी कायनात इंसानियत इससे मुराद है। वला नब्लुवन्नकुम, जरूर बिजरूर हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, बिशाइम मिनल खौफ, कुछ खौफ से, वलजू कुछ भूख से, वनक्सिम मिनल अमवाल कुछ माल के नुकसान होने से, वल अनफुस कुछ तुम्हारी जान से, वसमरात और कुछ तुम्हारी औलाद से। द पांच पेपर अल्लाह ने इम्तिहान के रखे हैं। और करें आप, ये पांच पेपर अल्लाह ने इम्तिहान के रखे हैं और अल्लाह कह रहा है जरूर भी जरूर हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। अब जब अल्लाह मौलाना तशरीफ फरमाए, जो अरबी जानते हैं वो इससे वाकिफ हैं कि इसमें जो ग्रामेटिकल फ्रेज इस्तेमाल हुआ है ना, लाम ताकीद बानून सकीला, ये वो सख्त तरीन लफ्ज है अरबी ग्रामर के एतबार से कि जो इंतहाई यकीन की बुनियाद पर कहा जाता है ना, जरूर भी जरूर यकीनन यकीनन हम तुम सब का इम्तिहान लेंगे। तो जब अल्लाह कह दे कि हम सब का इम्तिहान लेंगे, तो अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि मेरा इम्तिहान नहीं होगा, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। फलसफा पहुंच गया हयात का। वो इंसान खुद को धोखा दे रहा है, इसलिए कि जब अल्लाह ताकीद से कहे कि यह काम जरूर होगा, तो कौन है कि जो उसे रोक दे, कौन है जो उसे मना कर दे, कौन है जो उससे बच के निकल जाए? मुमकिन है? नहीं मुमकिन। अल्लाह ने कहा हम जरूर भी जरूर इम्तिहान तुम्हारा लेंगे, तुम सब का हम इम्तिहान लेंगे। तो जो भी पैदा हो गया है अब उसे इम्तिहान देना है। और करें आप, अब इम्तिहान का ऐसा होगा? अल्लाह ने कहा हम बहुत नहीं लेंगे, कुछ लेंगे, कुछ खौफ का इम्तिहान, कुछ भूख का इम्तिहान,
कुछ माल के नुकसान का इम्तिहान, कुछ जान के परेशानी और नुकसान का इम्तिहान और कुछ औलाद का इम्तिहान, ये पांच पेपर अनाउंस हुए। अब बेशाइन यानी कुछ, तो इन सब में से कुछ कुछ भी हो सकता है और इन पांच में से कुछ पेपर, किसी का भूख का इम्तिहान हो, माल का ना हो। मैं बात पहुंच रही हूं, भूख का इम्तिहान है, माल का इम्तिहान नहीं है। मैंने दुनिया के किसी रईस और कबीर के बारे में पढ़ा था कि उसके पास इतनी दौलत है कि उसे खुद इसका अंदाजा नहीं है कि कितनी दौलत है। तो जाहिर है कि उसे तो बहुत कुछ खाना चाहिए, मगर वो एक दिन में खुद एक डॉलर खाता है, उसका कुत्ता सैकड़ों डॉलर खाता है। यानी अब वो उससे ज्यादा खा नहीं सकता, डॉक्टरों की पाबंदियां लग चुकी हैं कि अगर जीना है तो शक्कर छोड़ना होगा, नमक कम करना होगा, तेल मसाले से परहेज कीजिए। मैं वो बातें बता रहा हूँ जो हिंदुस्तानी डॉक्टर बताते हैं, ये वाकया तो अमेरिका का है, पता नहीं वहाँ के डॉक्टर क्या क्या बताते हैं। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले, इम्तिहान समझ में आया, माल है मगर खा नहीं सकता। अब इसमें कितने इम्तिहान पोशीदा हैं? पहला ही इम्तिहान खौफ का पोशीदा है। हर लुक्मे में पहला ही इम्तिहान खौफ का पोशीदा है। इम्तिहान शुरू हो गया ना, खुदा की कसम, काश बात जल्दी से पहुंचा सकूं। इंसान की आंख खुलती है ना, आप खुलते ही जो पहला इम्तिहान उसका शुरू होता है वो खौफ का शुरू होता है। आप साथ देंगे हमारा? आप खुलते ही जो पहला इम्तिहान शुरू होता है वो खौफ का शुरू होता है। आपकी मिसाल दूं या अपनी दूं? मैं हमेशा मिसाल में अपने को उतारता हूं ताकि किसी को ठेस भी न लगे, बात भी पहुंच जाए। आँख खुलते ही पहला खौफ, अरे ट्रेन 9 बजे की थी, 8:30 बज गया, शुरू हो गया खौफ। ट्रेन 9 बजे की थी, आँख लग गई, सोते रह गए, नमाज सुबह के बाद सो गए, ठीक है 1 घंटा सो लेते हैं, उठेंगे 7:30 बजे, चलेंगे 8:30 बज गए और ट्रेन 9 बजे की है। कितने किस्म का खौफ है इसके पीछे पता है आपको? अगर ये खौफ आम आदमी बर्दाश्त कर ले तो कलेजा फट जाए, जितना मौलवी को बर्दाश्त करना पड़ता है यहाँ। बात पहुँच रही है? ट्रेन छूट गई तो जेब का भी खौफ, इज्जत का भी खौफ, उसके प्रोग्राम के खराब होने का भी खौफ, लोगों की गालियों का भी खौफ है। कहीं अच्छा प्रोग्राम मिल गया होगा, उन्हें क्या मालूम कि मौलाना खौफ में जी रहे हैं। खौफ शुरू हो गया ना। अगर बात पहुंच गई तो मैं यही जुमला अपना रोक दूं। अब आप अपने खौफ सोचते रहिएगा, 8:30 बजे आँख खुली, खौफ शुरू हो गया, 8:20 पे कोई खौफ था जब सो रहे थे? 8:25 पे कोई खौफ था जब सो रहे थे? कोई खौफ नहीं था। सोचिए नींद अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत बनाई है। भाई कहाँ रह गए आप? अल्लाह ने नींद कितनी बड़ी नेमत बनाई है कि जब
तक हम सोते रहे दुनिया के हर खौफ से आजाद थे। कोई खौफ था? नहीं था। इत्मीनान था, दिल को, बदन को, दिमाग को बेखौफ थे। तो जब तक सो रहे थे हमें कोई खौफ नहीं था, जागते ही खौफ शुरू हो गया। भाई बात पहुंच रही ना, खौफ शुरू हो गया। कुरान ने नींद को आरजी मौत कहा है। मैं बेदार रहिए, नींद को आरजी मौत, टेम्परेरी मौत कहा है। जब आरजी मौत इंसान के लिए एक रहमत है तो दायमी मौत कितनी बड़ी रहमत है। तवज्जो है, सलावत पढ़े मामा। शर्त ये हो है कि तैयारी जारी रहे। मेरी लफ्ज बहुत कम इस्तेमाल करूंगा, बहुत नाजुक से मरहले से गुजर रहा हूं। दूसरा इम्तिहान भूख का। भूख खाली रोटी की नहीं होती, इंसान तो सर से पैर तक भूखा है। इतना भूखा तो जानवर भी नहीं है। आप बैठिए टेबल पर तब इस लफ्ज़ पे गुफ्तगू कर सकता हूँ, मेंबर से गुफ्तगू करना बहुत मुहाल है, बहुत मुहाल है। इंसान सर से पैर तक भूखा है, इतना भूखा कोई जानवर नहीं है। मैं कहां से बात करूं अजीजों? एक जानवर को बेहतरीन खली और सूखी भूसी पेट भर खिला दीजिए, आदतन खा लेगा, और उसके बाद बेहतरीन तरो ताज़ा दूब वाली घास लाके डाल दीजिए। देखिए दूब की घास बड़ी पसंदीदा होती है जानवर की, वो दो तीन बार सूंघेगा खाएगा नहीं, इसलिए कि पेट भर चुका है। उस वक्त तक नहीं खाएगा जब तक के उसे फिर भूख। कभी बकरी बकरी पाली है कि नहीं आपने? सूंघेगा मगर खाएगा नहीं, इसलिए कि पेट भर चुका है। बेहतरीन बिरयानी और कबाब से पेट भर गया मगर वेडीलाल की आइसक्रीम आ गई। सोचिए इंसान कितना भूखा है। मैंने तो आपको इस तरह खाते नहीं देखा, आप डर के क्यों सुन रहे हैं? मैं अपनी बात तो पढ़ रहा हूं। है? जब बिरयानी दी जा रही थी, मौलाना एक चम्मच और बिरयानी ले लीजिए, तो हमने क्या कहा था? नहीं भाई, अरे एकदम, अब एकदम एक चम्मच न डालिएगा, छूट जाएगा। और देखिए दाने का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि शिकम भर चुका था ना, तो फिर ये वेडीलाल कहाँ जाएगी? और जब मिली तो फुल कप मार दिया, और ये ख्वाहिश रही कि काश कोई और भी पूछ लेता। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वा। इंसान सर से पांव तक भूखा है, इसकी आंखें भूखी हैं, इसके कान भूखे हैं, इसकी जबान भूखी है, इसका नफ्स भूखा है, इसे इज्जत की भूख है, इसे दौलत की भूख है, इसे शोहरत की भूख है। कौन सी भूख है कि जो इंसान के साथ वाबस्ता नहीं है? और कुरान आवाज दे रहा है कि हम तुम्हें भूख ही से आजमाएंगे, कुछ ज्यादा नहीं आजमाएंगे, वह इतना आजमाएंगे कि हम ये देखें कितना हलाल खाते हो और कितना हराम। सलावत पढ़े मामा।
तो तुम्हें आजमाएंगे। आधा घंटा हो गया भाई, अभी तो हम एक ही मरहले तक हैं और बड़ा दूर सफ़र करना है। दामन वक्त में वाकई बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी कि हमें ये मेंबर मिला। हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ से, भूख से, फिर माल से, जमा किसी काम के लिए करते हैं, खर्च किसी काम में हो जाता है। इसका अंदाज़ा तो सभी को होगा ना, जमा किसी काम के लिए करते हैं और खर्च किसी काम में हो जाता है। हर साल हज की नियत करते हैं मगर टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाते। माल मकाम इम्तिहान में है, खुदा न करे कि किसी के घर बीमारी आ जाए। सबसे पहला इम्तिहान माल का शुरू होता है। और कर रहे हैं अब उसके बाद फिर माल से वाबस्ता नफ्स का इम्तिहान, जान का इम्तिहान, और आखिरी पेपर है और वो है औलाद का इम्तिहान। साहिबान नफ्सियात ने, उलमा ने, मरसिया नगारों ने, मीर अनीस का पूरा मरसिया इसी मौजू पर है, सबसे बड़ा इम्तिहान है इंसान के लिए औलाद का इम्तिहान। हर इम्तिहान बर्दाश्त हो जाता है मगर औलाद का इम्तिहान बर्दाश्त ही नहीं होता। कई जाविये हैं, दे के भी अल्लाह इम्तिहान लेता है, न दे के भी अल्लाह इम्तिहान लेता है। सैकड़ों जाविये, औलाद अल मालो वल बुनूनो फितना। हमने माल और औलाद दोनों को इंसान के लिए इम्तिहान बनाया है। यहाँ फितने से मुराद इम्तिहान है, ये एक अरबी का लफ्ज़ है जो उर्दू के माना में नहीं बोला जाता। इम्तिहान बनाया है, सबसे सख्त इम्तिहान अगर इंसान के नफ्स के लिए है तो वो है औलाद का इम्तिहान। अब आप इस कायनात का मुशाहिदा करें, बहुत तवज्जो, बड़ा कीमती जुमला सिर्फ करना चाहता हूं। आप इस कायनात का मुशाहिदा करें तो आप ये देखेंगे कि किसी भी इंसान का पांचों इम्तिहान नहीं होता। दर कर रहे हैं आप, पांचों इम्तिहान नहीं होता। खौफ का इम्तिहान है मगर इंसान भूख का इम्तिहान नहीं दे रहा है, फरावानी से खा रहा है, खिला रहा है, पहन रहा है, ओढ़ रहा है, नहीं दे रहा है। और कर रहा, भूख का इम्तिहान दे रहा है तो औलाद का इम्तिहान नहीं दे रहा, औलाद का इम्तिहान दे रहा है तो माल का, भूख का इम्तिहान नहीं दे रहा है। मेरे अपने मुशाहदे से तीन इम्तिहान से ज़्यादा अल्लाह किसी का नहीं लेता। ये मैं मुशाहदे की बात कर रहा हूँ, इसे तफसीर में जाइए। किसी का भी इम्तिहान अल्लाह तीन पेपर से ज़्यादा नहीं लेता, दो पेपर बचा ही लेता है आम इंसानों के लिए। रूह ज़मीन पर सिर्फ करबला वाले हैं जिन्होंने पांचों पेपर का इम्तिहान दिया। कहाँ रह गया? जमीन पे सिर्फ करबला वाले जिन्होंने पांचों पेपर का इम्तिहान दिया, खौफ का भी इम्तिहान दिया, भूख का भी इम्तिहान दिया, माल का भी इम्तिहान दिया, जान का भी इम्तिहान दिया, औलाद का भी इम्तिहान दिया। तवज्जो है, खौफ तीन मुहर्रम से शुरू हो गया, भूख सात मुहर्रम से शुरू हो गई, माल सारा लूटा गया, जान आशूरा को कुर्बान कर दी, औलाद कोई भी बचा के नहीं रखी, सब हुसैन पे कुर्बान कर दी। ये सिर्फ करबला वाले हैं जिन्होंने पांचों पेपर का इम्तिहान दिया। यही वजह थी कि इमाम हुसैन ने कहा, जैसे आसार मुझे मिले ना मेरे नाना को मिले ना मेरे बाबा को मिले।
सलावत पढ़े मोहम्मद। पांचों पेपर का इम्तिहान अगर दिया है तो करबला वालों ने दिया है। ये इम्तिहान अल्लाह ले क्यों रहा है? सूरह मोहम्मद में ये बकरा की आयत, वहां भी यही ताकीद का लफ्ज है, वला नब्लुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीना मिनकुम वस्साबिरीन। देखिए वही लफ्ज है कि जो इन पांचों इम्तिहान के बाद आया है, वबशरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बशर बशारत का लफ्ज है, इम्तिहान मुसीबत परेशानी अजियत रंज गम इब्तला। आयत क्या कह रही? मेरे नबी बशारत दे दीजिए, खुशखबरी दे दीजिए, इन मुसीबत के बाद खुशखबरी दे दीजिए। किसको? जो इन मुसीबतों पर सब्र करते हैं। वो बशरिस साबिरीन, इन मुसीबतों पर सब्र करते हैं। सब्र कौन करता है? सब्र उसी को आता है जो ये समझता है कि इम्तिहान अल्लाह ले रहा है। बड़ा कीमती जुमला है, ये इम्तिहान अल्लाह ले रहा है और उसे इम्तिहान लेने का हक है। अब अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, बीटेक कर रहा है एमबीए कर रहा है, कितनी फीस देते हैं? 1,00,000 रुपया साल। ज्यादा लगती हो तो आप बढ़ा लीजिएगा, मेरे पास तजुर्बा नहीं है इसका, है ना? बढ़ गया ना, 1,00,000 रुपया साल दे रहे हैं, है ना? बच्चे को पढ़ाने के लिए फीस दे रहे हैं, टिफिन बन रहा है, जा रहा है, हॉस्टल में है वो तो फीस 1,00,000 रुपया है, मजीद 2,00,000 रुपया खाने का रहने का, ठीक है? पढ़ रहा है, लिख रहा है, एक अच्छा मोबाइल उसे चाहिए, ऑनलाइन काम करने के लिए लैपटॉप चाहिए, सारी सहूलतें उसने सब साल भर इस्तेमाल किया, इम्तिहान नहीं दिया। उसने आगे कहा, पापा इम्तिहान बड़ी मुश्किल चीज़ है, 3 घंटा दिमाग ख़राब होता है, पेपर देख के होश उड़ने लगते हैं, दिल बैठने लगता है, घबराहट होती है, लिखते हैं तो समझ में नहीं आता है क्या लिखें क्या छोड़ें, हमने इम्तिहान छोड़ दिया। आप खुश हुए? मेरे साथ आए नहीं, अब इससे अच्छी मिसाल थी नहीं मेरे पास। उसने इम्तिहान छोड़ दिया, आप खुश हुए? क्यों? आप उसे अजियत में क्यों मुब्तला करना चाहते हैं 3 घंटे की? हैं? फीस आपने दी दी हैं? मगर आप उसे उस 3 घंटे की सख्त तरीन मुसीबत और अजियत में क्यों मुब्तला करना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए ताकि आप ये जान लें कि जो इस पर खर्च हुआ है ये पहुंचा कहां पर, तवज्जो है, ताकि ये पाप ये जान ले कि इसने लेवल क्या पाया, इसने मकाम क्या पाया, इसने मर्तबा क्या पाया, इसने रैंक क्या पाया। भाई बात पहुंच रही है? रैंक क्या पाया? अब सूरह मोहम्मद का तर्जुमा कर रहा हूं, अल्लाह कह रहा है वला नब्लुवन्नकुम, हम जरूर जरूर इम्तिहान लेंगे, हत्ता नालमल मुजाहिदीना मिनकुम वस्साबिरीन, सिर्फ ये जानने के लिए हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे हैं कि तुम में बाहिम्मत और मुजाहिद कितने हैं और सब्र करने वाले कितने हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद। बात वाज़े हो गई?
नालमल मुजा, हम तो ये जानने के लिए तुम्हारा इम्तिहान ले रहे हैं, हम तुम्हें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सेहत दे रहे हैं, जिंदगी दे रहे हैं, जिंदगी की ऐश दे रहे हैं। कभी सूरह रहमान को इस तरह भी तो पढ़ के देखो कि अल्लाह हमें मुफ्त में क्या क्या दे रहा है। ये हम तुम्हें दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ये हमने तुम पर इन्वेस्ट क्यों किया है, ये देखने के लिए कि तुम में बाहिम्मत मुजाहिद कितने हैं और सब्र करने वाले कितने। या अल्लाह तुझे पता नहीं है, एक सवाल, तुझे पता नहीं है कि ये इंसान किस रैंक का है, किस मेयार का है, है किस ओहदे का है। अल्लाह कहेगा मुझे पता है, ये मानेगा नहीं। कहां रह गया? देखिए इस तरह न सुनिए जैसे आपने कोई इम्तिहान नहीं दिया है, है? ये मानेगा, ये मानेगा नहीं। कभी अपने बच्चे से पूछा इम्तिहान दे के आने के बाद, भाई पेपर करके आ रहे हो, लगभग कितना आ जाएगा? हमारे बच्चों ने तो कभी बताया ही नहीं कि हम 90 से कम आ रहे हैं। अब आपके बच्चे पता नहीं क्या कहते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं पापा, हमने तो पूरा सवाल किया है और बहुत अच्छे से किया है और यूं किया है और 90 तो पक्का है। भाई ये 10 कम क्यों है? अरे 10 नंबर तो यूं ही कम दिया जाता है, कौन 100 में 100 देता है मसलन। पूरे सवालात हमने किए हैं, नंबर 70 आ गया। ऐसा है नहीं कोई मेरा बच्चा, मगर बता रहा हूं अपनी मिसाल देके। नंबर 70 आ गया, मैंने पूछा क्यों जनाब, आप तो कह रहे थे कि 90 नंबर। टीचर लोग पापा बहुत नाइंसाफी करते हैं, हमने पूरा पक्का लिखा है, कहीं ना कहीं कोई सवाल उस तरह ठीक से जांचा नहीं है या नंबर जोड़ने में कम हो गया, इसीलिए स्क्रूटनिंग का अलग से फॉर्म भरा जाता है। तवज्जो है? अब उसके अलावा एक सलीका बना दिया है स्कूल वालों ने, है ना, जो पेरेंट्स मीटिंग करते हैं। रिजल्ट आया 70 का, उसके बाद हुई पेरेंट्स मीटिंग। क्यों करते हैं पता है? इसीलिए कि बेटा बाप से जो बोलेगा तो बाप जोड़ेगा, अरे 1,00,000 रुपया साल की फीस दिया और बच्चे ने पूरा लिखा और कम वक्तों नंबर कम दिया। कर रहे हैं ये पेरेंट्स मीटिंग इसीलिए बुलाई जा रही है क्योंकि बहुत सी जगह पे स्कूलों पे हमले हुए हैं, मारपीट हुई है। वक्त नहीं कि मैं आपको जुजियात में लेके चलूं। गौर कर रहे हैं आप? अब बुला लिया गया, लड़के के सामने कॉपी खोल दी गई। आप भी देखिए कि हमने 70 क्यों दिया है, लड़का भी देखिए कि हमने 70 क्यों दिया है। मैथमेटिक्स में तो सबके सब मिलते हैं ना, मगर होता कहां पे गड़बड़? 2 + 2 - 1 + 2 = 6 लिख के चला आया। सही है, कहां गड़बड़ है? देखिए आप लोगों को भी ठहरना पड़ गया, एक मिनट के लिए ठहरना पड़ा ना। यही ठहराव बच्चों के भी दिमाग में आता है जो वो ओवरटेक हो जाता है, उसके दिमाग में बैठा 2 + 2 और फिर बाद वाला +2 = 6 - 1 गायब हो गया जहन से। ये जवाब था 5, लिख के आया 6, कॉन्फिडेंस है कि हमने सही लिखा। और कर रहे हैं आप? हमने 14 साल कापियां जांची, बहुत सही पेपर लिख के आया है, जवाब सही है, मगर क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब लिखना था, उसने लिखा 9। यूं गिनती घुमाने के बजाय नंबर कटेगा क्या? नहीं, आप बताएं, आपसे पूछ रहा हूं, आप नंबर काटेंगे कि नहीं काटेंगे? काटेंगे ना, मगर सवाल तो उसने सही लिखा, जवाब तो सही लिखा है, मगर उसने बेशऊरी दिखाई गिनती में। एग्जामिनर के लिए प्रॉब्लम क्या हुआ? उसने देखा कि उसने 9 नंबर का जवाब लिखा है।
अब जवाब पढ़ रहा है और सवाल पढ़ रहा है, नौ से टैली नहीं कर रहा है, अब वो ढूंढ रहा है कि जवाब लिखा किसका है। तो मालूम अच्छा ये सिक्स नंबर का जवाब लिखा है, नंबर कटेगा कि नहीं। मिसाल में शायद मैंने तीन चार मिनट ज्यादा ले लिए, मगर समझाना जरूरी था। कटेगा ना, मामला क्या है, अल्लाह जानता है कि हमारी औकात क्या है, हम कितने मुजाहिद हैं, कितने साबिर हैं, मगर रोज़े महशर हम खुद इनकार कर देंगे, लिहाजा अल्लाह हमें दिखाने के लिए इम्तिहान ले रहा है ताकि तुम्हारी कापी तुम्हारे सामने खोल दी जाए कि तुमने नमाजें पढ़ी हैं तो रियाकारी कितनी थी। और कर रहे हैं आप रोजे रखे हैं तो इसमें दिखावा क्या था, तबर्रुक बांटा है तो मुकाबला किससे था। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद, बस एक सलवात और पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद, हत्ता نعلم المجاهدين والصابرين وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے خدا کی قسم۔ ارے سنا بھائی آپ نے فلاں کا انتقال ہو گیا، انا لله وانا اليه راجعون، سب پڑھتے ہیں، معلوم ہے کیا سمجھ کر پڑھتے ہیں، बेचारे चले गए ये तर्जुमा समझते इन्ना लिल्लाह का। भैया इन्ना लिल्लाह क्यों पढ़ रहे, अरे बेचारे अच्छे आदमी से चले गए, इसका ये मानी नहीं है। मानी सही बता दूं अपने लहजे में, इसका मानी ये है कि वो क्यों चले गए, हमें जाना था। कोई पढ़ता है इस मानी में, कोई इस माना में नहीं पढ़ता, सब इन्ना लिल्लाह इसीलिए पढ़ते हैं कि अरे बेचारे अच्छे आदमी थे, है ना। तो इन्ना की जगह अंता पढ़ता है, यानी बोलता अंता है और कहता है इन्ना। अब सलवात पढ़ ले मोहम्मद, घबरा तो नहीं गए भाई, सलवात हल्की हो रही है। بشر الصابرین الذین، میرے نبی بشارت انہیں دیجئے کہ جو صبر کرتے ہیں اور امتحان پر، یہ سمجھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اس انا کا فلسفہ بھی سمجھ لیجئے، جب ہم نے کہا ہم اللہ کے لیے ہیں تو اس ہم سے وابستہ دنیا میں جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں تو ہماری دولت اللہ کے لیے، ہماری شہرت اللہ کے لیے، ہمارا گھر اللہ کے لیے، ہماری اولاد اللہ کے لیے، یہ ہم سے وابستہ جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے ہے۔ جب یہ للہیت پیدا ہو جائے تب وہ صابر کہلائے گا۔ بشارت سنیے، اچھا رینک پا گیا تو اسے سند ملتی ہے، گولڈ میڈل ملتا ہے، اعزاز ملتا ہے۔ اللہ بھی امتحان لے کے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ سب ہمارا ہی تو دیا تھا، امتحان لیا تو کیا لے لیا، نہیں، اسی کا سب دیا ہوا، پھر وہ امتحان لے رہا ہے تو پھر تین چیزیں عطا کر رہا ہے۔ اولائکا علیہم صلوات من ربہم، خدا کی قسم میں اس کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتا۔ صلوات سمجھتے ہیں نا، جب آپ سے کہا جاتا ہے صلوات پڑھیں تو آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وقت
नहीं है कि मैं इसे डिफाइन कर सकूं। कुरान पढ़ रहा हूं, रिवायत नहीं पढ़ रहा हूं। अल्लाह कह रहा है कि जो सब्र करके इम्तिहान में मेरी बारगाह में आ रहा है, उलाइका अलैहिम सलवातुन मिन रब्बिहिम, तवज्जो है, अल्लाह की तरफ से उस मोमिन पर सलवात है। आप सलवात पढ़ रहे हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, यहां कुरान कह रहा है बशर साबरीन, उन्हें बशारत दीजिए उन सब्र करने वालों को जिनकी अलिल्लाहियत है, कि हम उन पर सलवात भेजते हैं, वर रहमा, और रहमत नाजिल करते हैं, वउलाइका हुमुल मुहतदून, और वही लोग हिदायत याफ्ता हैं। तीन तीन डिग्रियां, तीन तीन मेडल, तीन तीन सनदें अल्लाह अता कर रहा है इस इम्तिहान के बाद। बस मैं पढ़ चुका और मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ मकाम तस्कीन में जुमले अर्ज कर चुका हूँ, मगर एक बात और अर्ज करना चाहूँगा और यहीं से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाऊँगा, इख्तिताम से करीब हो जाऊँगा। हर आदमी आईएएस का इम्तिहान देता है? नहीं। हर एक पीसीएस करता है? नहीं। हाई स्कूल वाले से इंटर कर लिया जाता है इम्तिहान? नहीं, नहीं लिया जाता ना। इसका मतलब यह है कि जो जिस लायक होता है उससे उसी तरह का इम्तिहान लिया जाता है। मैं शायद बात पहुंच गई, शायद अब तस्कीन के लिए मैं इससे बड़ा जुमला नहीं पढ़ सकता। जो जिस लायक होता है उससे उसी तरह का इम्तिहान लिया जाता है। अगर इतनी अदालत इंसान में पाई जाती है कि जो जिस लायक हो उससे उसी तरह का इम्तिहान लिया जाए, तो वो तो आदिल हकीकी है, वो जानता है किस बंदे से हमें किस मेयार का इम्तिहान लेना है। वो तो आदिल हकीकी, वो ये जानता है कि हमें इससे किस मेयार का इम्तिहान लेना है, और इसमें कुव्वत बर्दाश्त हमने कितनी दी है, हमने हिम्मत कितनी दी है, सब्र कितना कर सकता है। अब इंसान मकाम इम्तिहान में, मकाम लिल्लाहियत में ये महसूस करे कि अल्लाह ने मेरा मेयार समझा क्या है। नई बात पहुंची, ये उसके लिए मकाम सरबलंदी है कि अल्लाह ने हमें इस लायक समझा कि हमसे ये इम्तिहान लिया। और कर रहे हैं आप, हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन, हम तो तुम्हें देखना चाहते हैं कि तुम्हें सब्र कौन कर रहा है, तुम्हें मुजाहिद कौन है, कुव्वत जिहाद किस में है। जिहाद से मुराद सिर्फ वो तलवारबाजी ही नहीं, और कर रहे हैं आप, अल्लाह मुजाहिद और साबिर देखना चाहता है। बस एक फलसफे से और गुजार के गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ, मुजाहिद और साबिर देखना चाहता है। या अल्लाह तू हमें मुजाहिद देखना चाहता है, जिहाद खुद सब्र है, बगैर सब्र के जिहाद मुमकिन नहीं है। जहाँ सब्र नहीं होता वहाँ फरार पाया जाता। बात पहुँच रही, जहाँ सब्र नहीं होता वहाँ फरार पाया जाता है, जहाँ सब्र होता है वहाँ इस्तकामत पाई जाती है। इसीलिए मेरा मौला कहता था अली को इसकी परवाही नहीं है कि वो मौत पे जा पड़ेंगे या मौत उन पे आ पड़ेगी। यह कमाले सब्र, यह कमाले सब्र। फायदा क्या होगा का फायदा हम बता रहे हैं, ला तहसबन लजीन कतलू فی سبیل اللہ امواتن بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ میں اپنے تمہیدی فقروں سے وابستہ ہو رہا ہوں،
जो अल्लाह की राह में जिहाद करेगा, कत्ल होगा। अब मकाम सब्र है ना, कत्ल होना इतना आसान तो है नहीं। अच्छा, ये भी अजीब मंजिल है, खुदा की कसम, कत्ल किसे कहते हैं? देखिए जुमला रहेगा ना, कीजिएगा। कत्ल उसे कहते हैं जहां कोई आके मारे, खुद से खुद को मारने को दुनिया की हर जबान में खुदकुशी कहा जाता है, कत्ल नहीं कहा जाता। बेदारी चाहिए आपकी, खुद से खुद को मारना ये कत्ल में नहीं आता, ये खुदकुशी में आता है। कहीं दुनिया के किसी कानून, किसी जुबान में खुद से खुद को मारना कत्ल है ही नहीं, खुदकुशी है। ये तालिबान और अलकायदा को इतनी भी अरबी नहीं आती, नई बात पहुंचा सका। वो अपने आप को उड़ा के कहते हैं जिहाद। भाई कहां है आप? वो अपने आप को मार के उड़ा के कहते हैं कि हमने जिहाद किया। भाई पहले खुदकुशी हुई तब अगला मरहला तय हुआ, तो खुदकुशी तो कत्ल हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने जगह दी है तो कत्ल पे दी है, खुदकुशी में कोई जगह नहीं है। तो कत्ल होना जरूरी है, और कत्ल के लिए मद्द मुकाबिल किसी का होना भी जरूरी है। मैंने पूछा पालने वाले, ये कौन सा कानून है कि एक जमाने वाले को मिले, दूसरे जमाने वाले को न मिले? बेदार है ना। एक जोग्राफी वाले को मिले, दूसरे जोग्राफिया वाले को ना मिले? नहीं, शायद नहीं बात पहुंचा सका। भाई अल्लाह कह रहा है कि जो कत्ल होगा हम उसे जिंदगी देंगे, हम उसे रिस्क देंगे। वो शहीद है, जो राह खुदा में कत्ल हो वो शहीद है। इंदा रब्बहिम युरज़कून, वो अपने परवरदिगार की तरफ से रिस्क पाएगा। तो जो कत्ल होगा वो रिस्क पाएगा। तो ये फायदा बद्र वालों को मिला, उहद वालों को मिला, हुनैन वालों को मिला। या अल्लाह हमने कौन सी गलती की थी, हमें भी उसी जमाने में पैदा कर देता, हम भी साथ देते नबी का, कत्ल होते, शहीद होते, हयात मिलती। तो ये कौन सा कानून है कि एक जमाने वाले को फायदा मिले और दूसरे जमाने वाला महरूम हो, एक जमीन वाले को फायदा मिले दूसरी जमीन वाला महरूम हो? रसूल ने आवाज दी, आयत से उलझो नहीं, आओ हम बताते हैं। मन माता आला हो बे आले मोहम्मद माता शहीदा। तवज्जो है, सलावत पढ़े मन माता आला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरे वो शहीद है। वक्त तमाम होने के करीब आ गया अजीजों, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरे वो शहीद है। अब इसके लिए जमाने की कैद नहीं है, जमीन की कैद नहीं है। जहां भी रहो आले मोहम्मद से वाबस्ता रहना। सदी कोई हो, जमाना कोई हो, जमीन कोई हो, आले मोहम्मद से वाबस्ता रहोगे तो हम तुम्हें शहादत का मर्तबा अदा करेंगे। अब बहुत बात और बहस का वक्त नहीं है, लिहाजा चंद जुमले समेट के अपनी मंजिल तक आना चाहता हूं। मगर हदीस में है बड़ा नाजुक लफ्ज, मन माता आला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो आले मोहम्मद की फलसफा है समझिए, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरे वो शहीद है। ये हदीस में है ही नहीं कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर जिए वो शहीद है।
अर्ज करता है हमने ये शब्देदारी की, वो शब्देदारी की, ये मातम किया, वो मातम किया। हर साल हम जाहिर बन के जाते हैं, जोगीपुरा जाते हैं, हर साल हुसैन डिग्री जाते हैं। भैया ये जिंदगियों की बात है, हदीस ने जिंदगी नहीं मौत मानी है। बात पहुंच रही है, बड़ी नाजुक सी बात से गुजरना है मुझे। 14 हदीसें हैं इस सिलसिले में और सब में है मन माता। जिंदगी का पीरियड वसी है या मौत का? जिंदगी आदमी जीता है 100 बरस की और मौत सेकेंडों में आती है। फिर अर्ज करना चाहूंगा, बड़ी नाजुकी है लफ्जों में, बीमारी को मौत नहीं कहते। बीमार चाहे 10 साल रहे आदमी, बीमार 10 साल रहा, मगर मौत आती है सेकेंडों में। अल्लाह ने हदीस में वही सेकेंड मांगे हैं। बात पहुंच रही है? अब ये नाजुक सी बात पहुंचनी चाहिए। अल्लाह ने हदीस में, भाई जो हदीस रसूल बयान कर रहा है वो मंशाए इलाही तो बयान कर रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अल्लाह ने हदीस में, ये मत समझिएगा कि हदीस अल्लाह की है, हदीस रसूल की है। मंशाए इलाही हदीस दे रही है ना, क्या चाहता है अल्लाह? मौत और हयात का मालिक वो है। क्या चाहता है? जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरे। भाई ये मौत क्यों मांगी है, हयात नहीं मांगी? 10 साल अशरा किया, 10 साल तबर्रुक बांटा, 50 साल मोहब्बत अहले बैत से वाबस्ता रहे, वो नहीं। मन माता, भाई मौत इसलिए मांगी कि हयात का तखमीना है, मौत का कोई तखमीना नहीं है। भाई क्या सुन रहे हैं आप? हयात का तखमीना है, मौत का कोई तखमीना नहीं है। मौत इसीलिए मांगी कि अपनी हर लम्हे की जिंदगी को आखिरी समझना। अपनी जिंदगी के हर लम्हे को आखिरी समझना और आखिरी समझ के मोहब्बत अहले बैत से वाबस्ता रहना। और करना आखिरी समझ के, इसीलिए मन माता कहा गया हदीस में कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरे वो शहीद है। खुदा की कसम, शानू साहब के सिलसिले से मैं वाकिफ हूं कि जब तक उनमें हिम्मत थी वो फोन पे जब भी हमसे बातें करते थे तो सिर्फ मोहब्बत अहले बैत की बातें करते थे। इसके अलावा उन्होंने कभी मुझसे कोई दूसरी बातें नहीं की। मैं अपनी बातों का गवाह हूं। तवज्जो है, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरे। अब ये सिलसिले का आखिरी जुमला और फिर रब्त मसायब गुफ्तगू तमाम। मांगा है हदीस ने जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरे, ये नहीं मांगा कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर जिए। अब तशरीह का वक्त नहीं है, तलमी के दो जुमले संभाल लीजिए। हदीस ने आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरे इसलिए मांगा कि इब्ने मुल्जिम को कुछ मिलने न पाए। बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। मन माता हदीस ने इसीलिए मांगा कि इब्ने मुल्जिम को कुछ मिलने न पाए। अब जुमला पूरा कर रहा हूं। और मन माता हदीस ने इसलिए मांगा कि इब्ने मुल्जिम को कुछ मिलने न पाए और हुल छूटने न पाए। खौफ का भी इम्तिहान हुर ने दिया, भूख का भी इम्तिहान हुर ने दिया। 9 मुहर्रम तक वो यजीद का खाता रहा, मगर शब आशूर जब उसने दिल हुसैन के हवाले कर दिया
भाई खाने के लिए बुलाता रहा नहीं आया। सुनते हैं ना रिवायतें, कभी मुताबिक करके भी देख लिया कीजिए। बेटा आके कहता रहा दस्तरखान लगा है बाबा आके खा लीजिए, मगर उसके बाद हुर ने न एक लुकमा खाया न एक घूंट पानी पिया, रात गुजारती। अब बढ़ रहा है माल के इम्तिहान की तरफ, जो कुछ ओहदा मनसब फायदे थे सब छोड़ के अब हुसैन की तरफ बढ़ रहा है जान का इम्तिहान देने। आका मुझे मरने की इजाजत दीजिए। बहुत समेट दी गुफ्तगु मैंने, और तू ऐसे वक्त में आया, और तुझे याद है ना जब तू पहली बार मिला था तो आका ने तेरे सामने, तेरे आका ने तेरे सामने जो रहे आप पेश किया था, आज तेरा बाका तुझे एक गिलास पानी भी पेश नहीं कर सकता, एक कूजा आप भी पेश नहीं। आका याद न दिलाइए, रात भर अलतश की सदा सुन के आया। आका अब मैं आपके बाबा के हाथ से हौज़े कौसर पीऊँगा, आका मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए। जान का इम्तिहान देने के लिए तैयार है कि जवान बेटा अली इब्ने हुर, अक्सर मैं मसाइब को ये जुमले पढ़ा करता हूँ, अली इब्ने हुर सामने आया का बाबा आप अपने मरने की इजाज़त मांग रहे हैं? नहीं बाबा, पहले ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम के लिए तो इजाज़त मांग रहे थे, अब ये औलाद का इम्तिहान है। सुनोगे जुमला महसूस करोगे इम्तिहान औलाद का कैसा होता है। औलाद का इम्तिहान, सीना खुशी से फूल गया, चौड़ा हो गया। हाँ आका मेरे बेटे को मरने की इजाज़त दीजिए, हम भी तो देखें कि जवान का दांव उठाया कैसे जाता है। पांचवा पेपर और सबसे बड़ा पेपर हुर देने की तैयारी कर रहा है। हुर हुसैन से कम उम्र है, हुसैन से कम उम्र है, हुर कड़ियल जवान है, वर्जिशी है, सिपाही है, लड़ाका है, मजबूत है, कवि है। हुसैन इमाम है तो सारा इल्म अख्तियार है, मगर जिस्मानी एतबार से पहलवान नहीं है, सिपाही नहीं है, और सिपाही है, पहलवान है, कवि है, उम्र में कम है। यह है ना हुर का मंजरनामा। मगर जब कड़ियल जवान ने मैदान से आवाज दी, बाबा मेरी मदद को आओ, हुर दौड़ा तो है मगर पहुंचा तो हुसैन के बाद पहुंचा। जब हुर पहुंचा है तो देखा हुसैन पहले पहुंच चुके हैं, अरजानों में बेटे का सर रख लिया है। आवाज दिया आका आप आका है, ये गुलाम है, गुलाम का सर आका के जानों पे रखना ये तहजीब अरब नहीं है। हुसैन ने आवाज दी तू जभी बाप है सामने से हट जा, जवान बेटे के सराने माँ बाप खड़े नहीं होते। अब महसूस किया जवान का दाग क्या होता, बहादुर था सिपाही था मगर दौड़ा तो, मगर दौड़ा न गया, पहुंचा तो हुसैन के बाद पहुंचा। आज़ादारों अल्लामा तक़वील हैदरी साहब, मैं उस्ताद एक जुमला पढ़ते हैं, बस आप मसाब हुए गुफ्तगू तमाम हुई। हुसैन ने क्या कहा, और सामने से हट जा, सामने से हट जा, मैं मौजूद हूँ तेरे बेटे के पास, तू बाप है। सुनो आज़ादारो जुमला, अल्लामा तक़वील हैदरी साहब अगर जुमला पढ़ते थे, हुसैन ने जब अली अकबर की आवाज़ सुनी
तो हुसैन भी दौड़े, मगर रिवायत कहती है कि हुसैन ठोकरें खाते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं। या अली कह के उठते हैं, ठोकरें खाते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं। ये तो रिवायत लफ्ज लिख रही है ना। अल्लामा ने अजीब जुमला कहा, नहीं हुसैन ठोकरें नहीं खा रहे हैं, बल्कि जब हुसैन ने कहा था कि जवान के लाशे पे बाप को खड़ा नहीं होना चाहिए, ये जुमला ज़मीने कर्बला ने भी सुना था। हुसैन के कदम कर्बला पकड़ रही है, आका जवान का लाशा है, आका भी न जाए, शहज़ादी ज़ैनब को पहुंचने दे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। आज़ीज़ो गुफ्तगु में तमाम कर चुका, मगर मकाम तस्कीन और मसाइब में ये जुमलात करना चाहूँगा। अली अकबर की कर्बला में दो माएँ हैं, एक माँ है वो है पालने वाली माँ जिसने 18 बरस पाला था, और एक माँ है वजूद देने वाली माँ, वो जनाबे लैला है, और पालने वाली माँ जनाबे ज़ैनब है। जनाबे अली अकबर की कर्बला में रुख्सत भी दो है। पहली रुख्सत है जनाबे ज़ैनब के खेमे से, जब हुसैन ने कहा था मेरे लाल जाओ पालने वाली माँ से इजाज़त ले गया, और दूसरी रुख्सत है जनाबे लैला के खेमे से, जब अली अकबर दरमियान में जंग छोड़ के आए थे कि बाबा प्यास से कलेजा पका जा रहा है, उस वक्त हुसैन ने कहा था मेरे लाल तुझे लैला की दुआ ने बुलाया है, जा अपनी माँ से मुलाकात करके आ। अली अकबर की दूसरी रुख्सत जनाबे लैला के खेमे से है, और अब हुसैन जब लाशा लेके चले हैं तो जनाबे ज़ैनब के खेमे में आए, लाशा रख के आवाज दी, बहन तेरी कमाई आ गई। जनाबे ज़ैनब ने आवाज दी, भाभी लैला आ तुम्हारा लाडला आ गया। कोई जवाब ना आया, दोबारा आवाज दी, भाभी लैला तुम्हारा लाडला आ गया। कोई जवाब ना आया, जब तीसरी आवाज दी जनाबे लैला ने आवाज दी, शहज़ादी जब से अली अकबर की आवाज सुनी है हमें खैमे का दरवाजा नजर नहीं आता। शहज़ादी किसी से कहिए कि हमें बुला, कोई आए और हमें संभाल ले, शहज़ादी खैमे का दरवाजा। अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमि ज़ालिमीन وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। पालने वाले तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का वास्ता, इस मजलिस अज़ा को कबूल फरमा। पालने वाले मरहूम को जवार अली अकबर में जगह इनायत फरमा। तमाम मुतालिकीन को सब्र जमील अता फरमा। तमाम मोमिनीन मोमिनात जहाँ जहाँ भी हैं उनके जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। तमाम मोमिनीन मोमिनात की हाजात दुनियावी और उखरवी को पूरा फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के मोइन मददगार में शुमार फरमा। एक बार सूरह हम्द और तीन बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर जनाब एजाज अब्बास इब्ने मसरूर हुसैन साहब की रूह को इसाले सवाब कर दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल।